हेलो बच्चों, तलवार को म्यान चाहिए, बंदूक को गोली और इस दिल को मैथ्स चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमारा 8th लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक मस्त टॉपिक सीखा था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम ये सीख चुके हैं कि 1 की पावर 1/3 करने पे हमको 3 वैल्यूज मिलेंगी। एक 1 होगा, दूसरा ओमेगा और थर्ड वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सारी प्रॉपर्टीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो सबसे पहले तो मैं सलाह दे दूं कि ये वाला लेक्चर अटेंड करने से पहले आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस लेक्चर में जो बातें बताई जाएंगी उनको प्रॉपरली सीख पाओगे। तो इस लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा 2 टॉपिक्स पे। पहला है डी मोइवर्स थ्योरम और सेकंड टॉपिक होगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी की n वैल्यूज कैसे निकाले जाए, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 की पावर 1/n की। मैंने बताया था n वैल्यूज होती हैं, यहां पे n एक इंटीजर है, 1 की पावर 1/n की n वैल्यूज होती हैं, वो n वैल्यूज कैसे निकलेंगी, क्या क्या आंसर्स होंगे 1 की पावर 1/n के, ये सारा डिस्कशन करेंगे हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी में। अगर आप 1 की पावर 1/n की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको दोस्तों डी मोइवर्स थ्योरम सीखनी होगी। बहुत ही शानदार थ्योरम है डी मोइवर्स थ्योरम। अगर अपन डी मोइवर्स थ्योरम सीख लेंगे तो फिर 1 की पावर 1/n हुआ, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/8, 1 की पावर 1/9, इनफैक्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई रैशनल पावर अगर आ जाएगी तो उसके जितने भी आंसर्स होंगे सारे कैलकुलेट कर पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं डी मोइवर्स थ्योरम के साथ। तो इस कंप्लीट लेक्चर में ये दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए, एक तो बहुत ही शानदार थ्योरम डी मोइवर्स थ्योरम और उसका एप्लीकेशन करते हुए फिर हमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर निकालने आ गए और उनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो ये वाला लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा एकदम भन्नाट तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं डी मोइवर्स थ्योरम के साथ। डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, आइए सीखते हैं। डी मोइवर्स भैया ने सबसे पहले यह बताया कि आप किसी भी नंबर की पावर एक इंटीजर करते हो तो उसका एक ही आंसर आता है। अब आप बोलोगे यार किसी भी नंबर की पावर का क्या मतलब है, रियल नंबर की पावर की बात कर रहे हो या कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर्स की पावर की बात कर रहे हो? मैं कहूंगा भैया पूरे नंबर सिस्टम की, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स भी आ गए, इमेजिनरी नंबर्स भी आ गए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, डी मोइवर्स भैया ने कहा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर आपने इंटीजर कर दी उसका मात्र एक ही आंसर होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आपने p/q फॉर्म में कर दी, रैशनल पावर कर दी इस प्रकार से, और ये जो पावर अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर लिखी हो तो जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है उतने ही आंसर होंगे। मतलब जेड की पावर 3/8 के 8 आंसर होंगे। मान लो जेड को ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं जेड को, 1+i ले लेते हैं, 1+i की पावर 3 कर दी तो सिर्फ एक आंसर होगा, लेकिन 1+i की पावर 3/8 कर दी तो 8 आंसर्स होंगे। सबसे पहले तो ये बात डी मोइवर्स ने बताई। उसने कहा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 की पावर 1/9 कर दोगे तो इसके 9 आंसर्स आएंगे, अगर आप 2 की पावर 10 कर दोगे तो इसका एक ही आंसर आएगा। अगर पावर इंटीजर होगी जैसे यहां पे है तो उसका एक आंसर आएगा, और अगर पावर इस प्रकार से रैशनल होगी p/q की फॉर्म में, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर है उतने ही आंसर आएंगे।
सबसे पहले ये बात डी मोइवर्स ने नोटिस की। तो डी मोइवर्स ने जो बातें कही देखी उनको बड़े स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। डी मोइवर्स ने कहा कि कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज द ओनली वैल्यू ऑफ is the only value of cos theta plus iota sin theta की power n। यहां पे n हमारा क्या है, एक integer है। उसने कहा cos theta plus iota sin theta की power अगर n कर दें तो ये जो n है इसको theta के साथ multiply कर दो, इसकी एक value होगी और वो कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होगी। बताऊंगा आपको कि इस क्वांटिटी को ये कैसे लिख दिया, ये बात आपको बताऊंगा। और दूसरी बात डी मोइवर्स ने ये कही कि कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर एन इफ एन इज अ रैशनल नंबर, इज एन इज अ रैशनल नंबर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा है ना, ये कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा है ना, ये इस क्वांटिटी की कई सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी अगर n मेरा नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर होगा। तो बात समझ में आ रही है आपको, है ना, रैशनल नंबर अगर n होगा तो हमारा। तो देखिए ये जो टेक्निकलिटी के साथ ये जो बातें लिखी हुई हैं, आइए इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं, एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं। देखिए डी मोइवर्स ये कहना चाह रहा है कि मैं ले लेता हूं कोस थीटा, यहां पे बात हो रही है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन की, यहां बात हो रही है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन की। पहली स्टेटमेंट में कहा कि इसकी वैल्यू ये होगी और दूसरी स्टेटमेंट में कहा कि इस क्वांटिटी की वैल्यूज कई सारी होंगी उनमें से एक वैल्यू ये होगी। और यहां पे ये बताया गया है कि इस क्वांटिटी की इकलौती वैल्यू ये होगी अगर n इंटीजर है तो, और अगर n इंटीजर नहीं है, कोई नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर है, तो इस क्वांटिटी की कई सारी वैल्यूज होंगी। वो कौन कौन सी होंगी बताऊंगा। इस क्वांटिटी की कई सारी वैल्यूज होंगी उनमें से एक वैल्यू है ये। ये दो स्टेटमेंट्स का मीनिंग है। आइए इसको प्रूफ करते हैं, डिटेल में समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू और बारीकी से एनालाइज करते हैं। यहां पे ले लिया मैंने कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। ये मैं बता चुका हूं कि जो सारा डिस्कशन हो रहा है वो इसी का हो रहा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन का हो रहा है। यहां पे डिस्कशन देखिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन का हो रहा है। तो चलिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन को एनालाइज करते हैं। तो देखिए जरा, आयलर भैया ने बताया था कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हो। इसको आप e की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हो। अब इसकी पावर है n तो इसकी पावर भी कर देंगे हम n, ठीक है। तो ये हो गया e की पावर आयोटा एन थीटा। एक बात बताइए, क्या हम e की पावर आयोटा एन थीटा को कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आयलर प्रॉपर्टी होती है। आयलर भैया ने बताया था कि e की पावर, अबे ध्यान से देखिए, e की पावर आयोटा अल्फा को कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा लिख सकते हैं। e की पावर आयोटा अल्फा को कोस अल्फा प्लस आयोटा
साइन अल्फा लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी अल्फा हो मेरे दोस्तों। यहां पे जो अल्फा की वैल्यू है वो एन थीटा है, तो इसका मतलब बात एकदम साफ है। अगर यहां पे अल्फा की जगह एन थीटा होगा तो यहां पे भी एन थीटा आ जाएगा। तो कुल मिला के ई की पावर आयोटा एन थीटा को कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे गौर फरमाइएगा, मैंने ये बात साबित कर दी है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होता है। यहां पे ग्लैमर इस बात में नहीं है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होता है। ग्लैमर इस बात में है कि इसकी वैल्यूज इसके अलावा भी और हो सकती हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, इसकी वैल्यू ये इसके बराबर तो है ही, इसकी वैल्यू ये तो एक है ही। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर n की वैल्यू 1/4 रख दूं तो इसकी चार वैल्यू होंगी, अगर n की वैल्यू 1/4 रख दूं तो इसकी चार वैल्यू होंगी। सवाल ये उठता है कि बची हुई तीन वैल्यूज कौन सी होंगी, डी मोइवर्स ने सबसे पहले तो ये दो स्टेटमेंट्स दी कि अगर n की वैल्यू इंटीजर है तो इसकी इकलौती वैल्यू होगी ये, और अगर n की वैल्यू रैशनल नंबर है अदर देन इंटीजर्स तो इसकी ये इकलौती वैल्यू नहीं है। तो डी मोइवर्स ने आगे भी बताया कि अगर सारी वैल्यूज कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n की निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। आइए डी मोइवर्स की जो ये सारी वैल्यूज निकालने वाली बात है उसको समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे देखिए, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये इसकी एक वैल्यू तो होगी, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अब समझते हैं कि मान लो हमारे पास है रूट थ्री प्लस आयोटा की पावर 5 है एक जगह पे, ठीक है, और दूसरी जगह पे है रूट थ्री प्लस आयोटा की पावर 1/5, ठीक है। यहां पे डी मोइवर्स थ्योरम को बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं सिखाने की वापस से तुमको कोशिश कर रहा हूं। डी मोइवर्स ने कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर इंटीजर है तो इसका एक ही आंसर आएगा, और उसने कहा था इसकी पावर इंटीजर नहीं है, कोई दूसरा रैशनल नंबर है। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके उतने ही आंसर होंगे। तो डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि रूट थ्री प्लस आयोटा की पावर 1/5 के 5 आंसर्स होंगे। कितने आंसर्स होंगे? 5 आंसर्स होंगे। तो यहाँ पे वो 5 आंसर निकालना सीखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ ये जो एक आंसर होगा वो निकालना सीखेंगे। अगर ये समझ लिया तो इसका मतलब डी मोइवर्स थ्योरम तुमने कंप्लीटली समझ ली, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो ना उसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। सबसे पहला काम ये करना होता है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो रूट थ्री प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखते हैं पहले। तो रूट थ्री बाय टू प्लस 1/2 आयोटा की पावर 5, और यहाँ पे लिख दें 2 की पावर 5, ठीक है। बात वही रहेगी, मैंने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये काम करें सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में लिखें। ये हो जाएगा कोस 30, ये हो जाएगा साइन 30, 30 बोले तो पाई बाय 6। ये हो जाएगा कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, ठीक है। पावर तो 5 है ही, ठीक है ना। स्टेप नंबर टू, अप्लाई द डी मोइवर्स थ्योरम
अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम, डी एम टी अप्लाई करें, डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करें। डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने का क्या मतलब है? डी मोइवर्स थ्योरम कहती है कि ये जो पावर जो एन आप देख रहे हो, ये जो पावर जो एन आप देख रहे हो, आप इस एन पावर को इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। यही तो सिखाया डी मोइवर्स ने, है ना, इस एन पावर को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहां हो जाएगा एन थीटा। बात समझ में आई? ये हमने प्रूव भी कर दिया, यहां पावर एन है जो टंगी हुई है खोपड़ी के ऊपर, पावर एन, इसको आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने इनको बराबर प्रूव करके देखिए दिखा दिया है तुमको, तो इसका इस्तेमाल कर दिया मैंने, ये जो पावर है इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना 2 की पावर 5 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, ठीक है। कोस 5π/6 की जो वैल्यू है, कोस 5π/6 की जो वैल्यू है वो होती है -√3/2 और साइन 5/6 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। ये 2 को अंदर वापस भेज देंगे, अंदर तो कैसे भेज देंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो गया 2 की पावर 4 हो गया -√3 + iota। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, यहाँ पे देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही आंसर था, सिंप्लीफाई होकर के आपके सामने आ चुका है, सिंप्लीफाई होकर के आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट मालूम है, इमेजिनरी पार्ट मालूम है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखिए इंटीजर पावर थी, इंटीजर पावर थी, इंटीजर पावर थी, इस वजह से देखिए इसका एक ही आंसर आया है। जब पावर इंटीजर है दो स्टेप की प्रॉब्लम होती है और इस प्रकार से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन असली खेल जो है ना, असली खेल यहाँ नहीं है, असली खेल यहाँ है, असली मुद्दे की बात यहाँ है, ठीक है ना। असली जो मुद्दे की जो बात है वो यहाँ है, यहाँ पूरे खेल को समझते हैं, यहाँ समझते हैं पूरे खेल को। अगर पावर हमारी, पावर हमारी इंटीजर ना हो, कोई रैशनल नंबर हो, तब इसके 5 आंसर्स कैसे निकालेंगे ये हमको समझना है, इसके 5 आंसर्स कैसे निकालेंगे ये बात हमको समझनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यों का यों रहेगा, जो पहला स्टेप है यों का यों रहेगा, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 जो है ना वो यों का यों रहेगा, स्टेप नंबर 2 भी बिल्कुल यों का यों रहेगा। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। यहाँ मैंने सेम लिया था, देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/5 इंटू कॉस 5/6 प्लस आयोटा साइन 5/6 की पावर 1/5। पहला स्टेप कंप्लीट है, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा स्टेप क्या है, अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहती है, ये पावर जो है इसको आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा काम करना होता है। स्टेप नंबर 2 में जब हम डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, स्टेप नंबर 2 में जब हम डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसमें एक छोटा सा काम करना होता है। इसमें क्या करना होता है, हमको ये मालूम है कि कोस थीटा और कोस 2π प्लस थीटा बराबर होते हैं। हमको ये मालूम है कि कोस 4π प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है। तो इन जनरल हम जानते हैं कि कोस 2kπ प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है और साइन 2kπ के, यहाँ पे एक इंटीजर है, साइन 2kπ प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा की जगह पे मैं साइन 2kπ प्लस थीटा लिख दूं और कोस थीटा की जगह कोस 2kπ प्लस थीटा लिख दूं तो बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी मोइवर्स ने कहा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसमें 2kπ अगर ऐड कर दें, आर्ग्यूमेंट में 2kπ ऐड कर दें, आर्ग्यूमेंट में 2kπ अगर अपन ऐड कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट में अगर अपन 2kπ ऐड कर दें, आर्ग्यूमेंट में 2kπ अगर अपन ऐड कर देते हैं, ये देखिए स्पेस यहाँ थोड़ा कम बच गया, इसको वापस लिख दे रहा हूँ, स्पेस जो है वो अपना कम बच गया यहाँ पे, देखिए स्पेस निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, है ना।
तो यहां पावर 1/5 यूं क्यों? तो मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट जो पाई बाई 6 है ना, उसमें 2 के पाई मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। के यहां पे एक इंटीजर होना चाहिए तभी ऐड कर सकते हो आप, के क्या होना चाहिए, के एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ऐड 2k पाई इन द आर्ग्यूमेंट, ऐड 2k पाई इन द आर्ग्यूमेंट, ये दूसरा स्टेप परफॉर्म किया। पहला स्टेप सेम रखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2k पाई ऐड कर दिया, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर थ्री ये वाला स्टेप है, अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। स्टेप नंबर 3 है अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। आप डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई कीजिए, ठीक है। 2 की पावर 1/5 को यूं का यूं यहां यहां पर रखिए, बाहर रखिए। अब आप क्या किए, डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये जो 1/5 पावर है ना, ये 1/5 पावर को आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही तो होती है डी मोइवर्स थ्योरम, क्या होती है, ये जो पावर एन है इसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये जो 1/5 पावर है इसको आर्ग्यूमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस, कॉस देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 12 के पाई प्लस पाई बाय 6 तो था ही, 1/5 जब मल्टीप्लाई हो गया तो बाय हो गया 6 × 5 = 30, ठीक है। प्लस आयोटा साइन 12 के पाई प्लस पाई बाय 30, ये बात समझ में आ गई। ये स्टेप नंबर 3 पे हमने डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई दिया, अब अप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब है स्टेप नंबर फोर में क्या करना है, डी मोइवर्स ने कहा था कि उसके 5 आंसर आएंगे, स्टेप नंबर 4 में वो 5 आंसर्स निकाल लेने हैं। जी हाँ, वो वक्त आ चुका है जब हम इसके 5 आंसर्स निकाल पाएंगे। तो क्या करना है स्टेप नंबर 4 में, के की वैल्यूज मैंने बताया है इंटीजर्स हैं, तो स्टार्टिंग करो 0 से, 0 से के की लगातार 5 वैल्यूज लिख दीजिए आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 लगातार इंटीजर्स लिख दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4 ये पुट करनी है आपको, पुट करना है के इक्वल टू 0, फिर के इक्वल टू 1, फिर के इक्वल टू 2, फिर के इक्वल टू 3, फिर के इक्वल टू 4। ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखिए इसके क्या क्या आंसर आते हैं। इसका पहला जो आंसर आता है के इक्वल टू 0, जब आप पुट करते हो के इक्वल टू, जब 0 पुट कर दिया ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो पहला आंसर आता है इसका 2 की पावर 1/5 इंटू कॉस पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 30, ठीक है। ये हो गया एक आंसर। अब दूसरा आंसर आएगा, दूसरा आंसर के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 12 पाई प्लस पाई 13 पाई हो गया, ठीक है। तो दूसरा आंसर हो गया 2 की पावर 1/5 कॉस 13 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाय 30, ठीक है। ये दूसरा आंसर हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड कैसे आएगा, k इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये हो गया 24 प्लस 1 25 पाई हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 1/5 cos 25 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 25 पाई बाय 30, ठीक है। फोर्थ आंसर और लास्ट में आएगा फिफ्थ आंसर। फोर्थ आंसर कैसे आएगा, k इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो ये हो गया 37 पाई हो गया, यहाँ पे तो हो जाएगा 2 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 1/5 इंटू कॉस 37 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 37 पाई बाय 30। क्या पुट किया हमने, k इक्वल टू 3 और लास्ट में k इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो 12 इंटू 4 हो गया 48 प्लस पाई हो गया 49 पाई, ठीक है। तो लास्ट में पुट कर देंगे k इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमको मिला फिफ्थ वाला आंसर, कितना मिला हमको, 2 की पावर 1/5 cos 49 पाई बाय 30 प्लस आयोटा साइन 49 पाई बाय
30। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस प्रकार से डी मोइवर्स ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पांचों आंसर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये जो ट्री देख करके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बड़ी सिंपल सी बात है, वापस बता देता हूँ मैं आपको, देखिए घबराना नहीं है, देखिए घबराना नहीं, इसको 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 थोड़ा और सुंदर बनाते, देखिए कलरफुल बना देते हैं इसको। पाँच जो आंसर आए हैं ना, पाँच जो आंसर आए हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए एक आंसर तो आपका ये आया है, यहाँ देख लीजिए एक आंसर ये आ गया है। ठीक है, दूसरा आंसर कौन सा आया है, सेकंड आंसर आपका देखिए ये सेकंड आंसर आ गया है, ये आपका थर्ड आंसर आया है, ये देखिए आपका ये जो आंसर आया है ये फोर्थ आंसर है, और ये हमारा फिफ्थ आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि पांच आंसर अपने को मिल चुके हैं, ऐसे पांच कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुके हैं। ये देखिए ये देखिए ये हैं आपके पांच कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वो पांच कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनकी पावर फाइव करोगे, जिनकी पावर फाइव करोगे तो अपने को ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो डी मोइवर्स ने कहा था कि भाई अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर इंटीजर हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर इंटीजर हो तो एक आंसर आएगा, लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कोई नॉन इंटीग्रल रैशनल होगी ना, जैसे यहां 1/5 पावर है तो इसके पांच आंसर आएंगे, अगर 1/7 पावर होती तो 7 आंसर आते, अगर मान लो पावर होती है यहां पे 11/17 तो इसके 17 आंसर आते, और वो आंसर्स निकालेंगे कैसे, उसके स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए, वो आंसर निकालेंगे कैसे उसके स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है ना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, लिख देता हूं यहां पे, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि आप 2 के पाई ऐड करें आर्ग्यूमेंट में, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई ऐड कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करें। फोर्थ स्टेप क्या है, के की 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से वैल्यूज फिट करनी है और अलग अलग आंसर निकालने हैं। कितनी वैल्यूज फिट करनी है, जो डिनोमिनेटर है उतनी ही वैल्यूज फिट करनी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 के अलावा अगर 5 मैं पुट कर दूं, 6 पुट कर दूं तो क्या होगा। जब आप के की वैल्यू 5 पुट कर दोगे तो वापस से यही आंसर आ जाएगा, 6 पुट कर दोगे तो ये आएगा, 7 पुट कर दोगे तो ये आएगा, 8 पुट कर दोगे तो ये आएगा, 9 पुट कर दोगे तो ये आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पुट करने पे फिर ये रिपीट होते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट आंसर्स चाहिए तो लगातार 5 कोई भी के पुट कर दीजिए, सिंपल रहता है अगर आप के को 0 से शुरू करते हैं और 4 तक पुट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो मैं कहूंगा कि बार बार इस बात को समझने का प्रयास करें, बार बार देखें जो मैं बातें बोल रहा हूं उनके मीनिंग को पोज करके समझने का प्रयास करें, तुम्हें डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और एक बात अगर तुमको समझ में आ गया तो डी मोइवर्स थ्योरम और उसके बाद nth रूट्स ऑफ यूनिटी में तुम एकदम फोड़ दोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप डी मोइवर्स थ्योरम एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए यूनिटी की 1/n पावर को देखिए कैसे हैंडल करते हैं। ध्यान से देखना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 की पावर 1/n, यूनिटी 1 होता है, nth रूट का मतलब 1/n पावर। यहां पे एक बात नोटिस करने वाली है कि n हमारा एक नेचुरल नंबर है, n हमारा एक नेचुरल नंबर है और अपन n की 2 या उससे बड़ी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो 1 की पावर 1/n मान लेते हैं z के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, z के बराबर मान लिया मैंने। तो डी मोइवर्स ने कहा था कि 1 की पावर 1/n के n आंसर्स होंगे। डी मोइवर्स तो बदमाश था, उसने ये कहा था कि भाई आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उसकी रैशनल पावर करोगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हुए, जो डिनोमिनेटर में जो आंसर होगा,
डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उतनी ही वैल्यूज मिलेंगी। जैसे 2 की पावर 1 बाय 3 कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। 15 की पावर 1 बाय 9 करेंगे तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 9 वैल्यूज मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज मिलेंगी। निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे 9 वैल्यूज को, यहां पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन चार स्टेप्स का इस्तेमाल कीजिए। इन चार स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप वो 9 वैल्यूज निकाल सकते हो। यहां पे 1 की पावर 1 बाय एन की हमको, अबे ध्यान से देखो भाई, कॉन्सेंट्रेशन मत लूज करो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखने वाली बात है ये। 1 की पावर 1 बाय एन की कितनी वैल्यूज होंगी, जरा सोच के बताइए मुझको, सोच के बताइए कितनी वैल्यूज होंगी। एन वैल्यूज होंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 1 की पावर 1 बाय एन की एन वैल्यूज होंगी। और डी मोइवर्स ने कहा था अगर ये एन वैल्यूज आपको निकालनी है तो चार स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला जो स्टेप है वो है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पहला जो स्टेप है वो क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। ये 1 है, इस वन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में तो कर लिया कन्वर्ट, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप नंबर 1 अपन ने फॉलो कर लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, इसको हमने मान लिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है कि जो आर्ग्यूमेंट है उसमें 2 के पाई ऐड कर दीजिए। अब 0 में 2 के पाई ऐड कर दोगे तो 0 प्लस 2 के पाई तो 2 के पाई होता है। 0 में 2 के पाई ऐड कर दोगे तो 0 प्लस 2 के पाई तो 2 के पाई होता है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया 2 के पाई आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, यहाँ पे जो k है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, वो एक इंटीजर है। k क्या है, k एक इंटीजर है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 भी मैंने फॉलो कर लिया, स्टेप नंबर 2 भी फॉलो कर लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है डी मोइवर्स, थर्ड स्टेप कहता है कि अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। स्टेप नंबर 3 क्या है, अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। तो स्टेप नंबर 3 जो है उसको भी फॉलो कर लेंगे। डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, ये जो पावर है इसको पकड़ करके अंदर आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई करना अलाउड होता है। ठीक है, इस पावर को पकड़ के आप आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के पाए बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 के पाए बाय एन आ गया। स्टेप नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 में डी मोइवर्स ने कहा था कि इसके अंदर k की वैल्यूज 0 से पुट करना शुरू करो। k की वैल्यूज 0 से फिर 1 2 लगातार k की वैल्यूज आप पुट करते जाइए। कितनी वैल्यूज पुट करनी है, यहां पे उतनी ही वैल्यूज पुट करनी है जितना डिनोमिनेटर है, तो n वैल्यूज पुट करनी है। अब 0 से जब आप शुरू करोगे तो n माइनस 1 तक आपकी n वैल्यूज हो जाएंगी। कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, n वैल्यूज हो जाएंगी, क्योंकि भाई 1 से n माइनस 1 तो ये हुई और एक 0, तो टोटल मिलाकर के भन्नाट तरीके से n वैल्यूज हो जाएगी। ये n वैल्यूज बारी बारी इसमें पुट करोगे, ध्यान दीजिएगा इधर, ये वैल्यूज बारी बारी जब आप इसमें पुट करोगे तो 1 की पावर 1 बाय एन के अलग अलग आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। n आंसर्स आएंगे, उन्हीं को बोलते हैं nth roots of unity। क्या बोलते हैं, nth roots of unity। बात समझ में आ रही है? तो भाई जब k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को क्या अपन e की पावर आयोटा 2 के पाई बाय एन भी लिख सकते हैं क्या? क्या इस क्वांटिटी को अपन e की पावर आयोटा 2 के पाई बाय एन भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। यहां थीटा कितना है, 2 के पाई बाय एन। थीटा कितना है, 2 के पाई बाय एन। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया e की पावर आयोटा थीटा। थीटा कितना है, 2 के पाई बाय एन। क्लियर है? अब k की वैल्यू देखिए पुट करते हैं, k की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। जब हमने k की वैल्यू 0 पुट करी, जब हमने k की वैल्यू 0 पुट करी ना, तो ये हो गया e की पावर 0। e की पावर 0 कितना हो गया, 1। ठीक है, क्या पुट किया, k इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, इसके बाद फिर पुट करेंगे k इक्वल टू 1। जब k इक्वल टू 1 पुट किया तो हो गया e की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन। क्या हो गया, e की वैल्यू आयोटा 2 पाई बाय एन या फिर e की पावर
टू पाई बाय एन आयोटा, एक ही बात है, ठीक है जी। इसके बाद फिर मैंने के की वैल्यू टू पुट करी, जब अपन k इक्वल टू टू पुट करेंगे तो e की पावर 4 पाई बाय n आयोटा आएगा। यहाँ पे देखिए k की वैल्यू अगर अपन 2 पुट कर देते हैं तो 4 पाई बाय n आयोटा आ गया, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, और लास्ट में अपन पुट कर देंगे, लास्ट में अपन पुट कर देंगे k की वैल्यू, लास्ट वैल्यू कौन सी है, n माइनस वन, n माइनस वन जब पुट करेंगे तो e की पावर n माइनस वन पुट करेंगे तो 2n माइनस वन पाई बाय n आयोटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये देखिए n वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा, e की पावर 4 पाई बाय n आयोटा, और यूं करते करते e की पावर 2 n माइनस वन पाई बाय n आयोटा। यहां पे दोस्तों ये जो n वैल्यूज आ चुकी, ध्यान दीजिए इधर, ये जो n वैल्यूज आ चुकी हैं, ये n वैल्यूज ही n रूट्स हैं, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी के n वैल्यूज हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस nth रूट ऑफ यूनिटी की जो n वैल्यू एक्सपेक्टेड थी वो आपके सामने है। देखिए ये चार स्टेप्स जो डी मोइवर्स ने बताए थे, अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रैशनल पावर के करस्पोंडिंग जो भी वैल्यूज आनी है वो निकाल सकते हैं। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान से सुने, सारी कॉपी में नोट डाउन करें, कॉपी में नोट डाउन करने के बाद उन पे पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करें, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनको बार बार सुने। आई होप उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी में अभी तक का जो डिस्कशन हमारा रहा है, एक बार देखिए मैं उसको वापस से बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 1 की पावर 1 बाय n के हमारे जो n आंसर्स हमको चाहिए थे वो n आंसर्स आ चुके हैं, वो n आंसर्स आ चुके हैं आपके सामने। मैं उन n आंसर्स को अभी लिखने जा रहा हूँ, आप वापस से एक बार देख लीजिए। जो हमारा पहला आंसर आया है वो आया है 1, जो हमारा पहला आंसर आया है वो 1 आया है। दूसरा जो आंसर आया है वो e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा आया है, जो दूसरा रूट आया है वो e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा आया है। जो थर्ड रूट आया है वो e की पावर 4 पाई बाय n आयोटा आया है, थर्ड रूट आया है e की पावर 4 पाई बाय n आयोटा। नेक्स्ट रूट आएगा e की पावर 6 पाई बाय n आयोटा, नेक्स्ट आएगा e की पावर 8 पाई बाय n आयोटा। यू करते करते लास्ट में आया है e की पावर 2n माइनस 1 पाई बाय n आयोटा। आप देख लीजिए ये n रूट्स आपके आ चुके हैं 1 बाय n की, 1 की पावर 1 बाय n की n वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के प्रचलित सिंबल्स हैं इन रूट्स के लिए जो प्रयोग में किए जाते हैं। ये वाला रूट तो वन है ही। इस रूट को अगर अल्फा का नाम दे दूं तो नोटिस करने वाली बात है, इसका स्क्वायर ये है, इसका जो स्क्वायर कर देते हैं 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर। और ये देखिए इसका क्यूब ये है, ये अल्फा क्यूब बन जाएगा, यूं करते हुए ये अल्फा की पावर 4 बन जाएगा, और यूं करते हुए ये बन जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 1। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा है e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि हमारे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस n, ये हमारे n रूट्स हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के, ठीक है। और कई बार लोग यूं भी बोल देते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसको बोल देते हैं अल्फा 1, इस वाली वैल्यू को बोल देते हैं अल्फा 2, इस वाली वैल्यू को बोल देते हैं अल्फा 3, इस वैल्यू को बोल देते हैं अल्फा 4 एंड सो ऑन, ये वैल्यू हो जाती है अल्फा n माइनस 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आप नोटिस कर ले, आपके सामने n रूट्स ऑफ यूनिटी एकदम आपके सामने मौजूद हैं, उनको आप 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस 1 यू लिख दें, या फिर 1 अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन, अल्फा n माइनस 1 यू लिख दें, बात एक ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए जरा,
कुल मिलाकर के अभी तक अपने को ये क्लियर हो चुका है कि 1 की पावर 1 बाय एन को, 1 की पावर 1 बाय एन को हमने x माना, तो x की हमारे पास यहाँ क्या माना था, हमने z माना था, x ले लेते हैं यहाँ पे, 1 की पावर 1 बाय एन को हमने मान लेते हैं x माना था, तो x की हमको n वैल्यूज मिली है, कितनी वैल्यूज मिली है, n वैल्यूज मिली है, ठीक है। इसी बात को कहने का ये भी अंदाज हो सकता है कि x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली n वैल्यूज मिली है, ये भी बोला जा सकता है। इस इक्वेशन के जो रूट है ना, इस इक्वेशन के रूट मिले हैं आपको 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, अल्फा की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे, क्यों, इसकी डिग्री जो है वो n है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैंने क्या किया, n को इधर ले गया x की पावर n, 1 को इधर ले गया माइनस 1 इक्वल टू 0। आप ये बोल लें इसके n रूट्स हैं यूनिटी के, या फिर बोलते हैं x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज हैं यहाँ पे, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये बोल सकते हैं कि एक थ्योरम आप लोगों ने सीखी होगी, एक थ्योरम आप लोगों ने सीखी होगी कि इफ x इक्वल टू अल्फा, इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, is a root of a polynomial, then x minus alpha will be the factor of that polynomial, है ना, of a polynomial equation, of a polynomial equation, ठीक है ना। x equal to alpha अगर किसी polynomial equation का root है तो x minus alpha will be the factor of that polynomial equation, ठीक है। factor theorem आपने सीखी होगी, फैक्टर थ्योरम आप लोगों को मालूम होगी, नहीं मालूम तो लिख लीजिए। अगर x इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट हो जाए तो x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इसमें देखिए x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, क्योंकि x इक्वल टू 1 डालते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब x क्यूब माइनस 1 का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, बाकी बचे हुए भी कुछ फैक्टर्स होंगे, बट ये क्लियर हो जाता है कि x माइनस 1 एक फैक्टर तो पक्का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात मैंने लिखी है कि x इक्वल टू अल्फा अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो इस बात का मैं इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप करूंगा, इसलिए वो बात पहले मैंने आपको बताई है। तो क्लियर है अभी तक के सफर में हमको डी मोइवर्स थ्योरम समझ में आ गई। डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने सारे के सारे रूट्स निकाल लिए हैं। अब आइए इन रूट्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, जो हमारे n रूट्स आए हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के, उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नोटिस करने वाली थी, आपने यहाँ पे नोटिस कर भी ली होगी कि ये जो सारे रूट्स है ना, ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब देखिए ये जो सारे रूट हैं जीपी में है, और इनका जो कॉमन रेशियो है वो e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा है, ठीक है। अब देखिए e की पावर 1 को e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ, फिर इसको e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा से मल्टीप्लाई किया ये हुआ, और ऐसे करके आगे रूट्स हमारे आते चले गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि रूट्स आर इन जीपी, ठीक है ना रूट्स आर इन जीपी विद कॉमन रेशो कॉमन रेशो है e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा। इस कॉमन रेशो के साथ ये जो रूट्स हैं जीपी बना रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ नोट करने वाली है कि ये जो रूट्स हैं इनके आप आर्ग्यूमेंट देखोगे तो आर्ग्यूमेंट एपी में है,
यहां पे देखिए इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, जीरो, ये e की पावर आयोटा जीरो लिखा हो, इसका आर्ग्यूमेंट तो जीरो है ना, जीरो में फिर टू पाई बाय एन ऐड कर दिया, इसमें फिर टू पाई बाय एन ऐड करके फोर पाई बाय एन कर दिया, इसमें टू पाई बाय एन ऐड करके सिक्स पाई बाय एन कर दिया, फिर इसमें टू पाई बाय एन ऐड करके एट पाई बाय एन कर दिया। तो यहां पे देखिए आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, यहां पे देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट कहां लिखा होता है, यहां लिखा होता है। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो एपी में है और कॉमन डिफरेंस कितना है, टू पाई बाय एन है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आर इन एपी, रूट्स आर इन जीपी एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स arithmetic progression की पहचान होती है उसका कॉमन डिफरेंस है ना, एंड उसकी उसकी फर्स्ट टर्म विद कॉमन डिफरेंस टू पाई बाय एन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई, एकदम अच्छे से इसको याद रख लेंगे अपन। ठीक है, दूसरी बात अगर हम सारे रूट्स को जोड़ देंगे, ये जितने भी रूट्स आए हैं ना, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको यूं लिख लेता हूं, अगर मैं 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 अगर इस सबको जोड़ देंगे टिल अल्फा एन माइनस वन, तो इनका सम जो है वो जीरो आ जाएगा। इन सारे रूट्स को जोड़ देंगे तो इनका जो सम है वो जीरो आ जाएगा। कैसे मालूम चली ये बात, मैं बताता हूं आपको। देखिए x की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस जीरो इंटू x की पावर n माइनस वन, ठीक है ना, प्लस जीरो इंटू x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस वन लिखा है इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये देखिए इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, बीच में जो पावर्स गायब थी उनको वापस ले आया कोफिशिएंट उनके जीरो लिखते हुए। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो रूट्स हैं कितने हैं, 1 alpha alpha square alpha n minus 1, इनको देखिए यूं भी लिख सकता हूं मैं कि भाई ये जो रूट्स हैं ये हमारे हैं 1 alpha 1 alpha 2 and so on alpha n minus 1। अब इनको अगर मैं जोड़ूंगा ना, सम ऑफ रूट्स करूंगा ना, तो सम ऑफ रूट्स का एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सीखा होगा माइनस बी बाय ए, वो फॉर्मूला क्यूबिक में डिग्री 4 5 किसी भी आगे पॉलिनोमियल इक्वेशन में लग जाता है, माइनस बी। बी क्या होता है, ये वाला कोफिशिएंट, अपॉन ए क्या होता है, ये वाला कोफिशिएंट, तो आ गया जीरो। तो सम ऑफ रूट्स बोले तो 1 plus alpha 1 plus alpha 2 and so on alpha n minus 1, देखिए उसकी वैल्यू जीरो आ चुकी है। और यही मैंने लिखा कि जी सबको जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है। ठीक है जी, अच्छा ये अल्फा वन हमारा अल्फा के बराबर है, अल्फा टू हमारा अल्फा स्क्वायर के बराबर है, और ये अल्फा एन माइनस वन के बराबर है। ये तो मैंने भी बता ही दिया है। ठीक है ना, लिखने के दो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, कभी इस फॉर्मेट में लिख दूंगा, कभी यूं लिख दूंगा, कभी यूं लिख दूंगा, एक ही माया के सारे नाम है ये, आपको बात समझ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए अल्फा जो है वो इसका रूट है, अल्फा रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, अल्फा इसको क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। और अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, उसको अगर यहां पे x की जगह अगर अल्फा डाल दूं तो अल्फा की पावर n माइनस वन कितना हो गया, जीरो। अगर x की जगह अल्फा डाल दूं तो अल्फा की पावर n माइनस वन जीरो हो गया, तो यहां से देखिए अल्फा की पावर n कितना आ गया, 1 आ गया। अगली प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप अल्फा की पावर n कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अल्फा की पावर अगर आप n कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख दी कि जी अल्फा की पावर जो n है, अल्फा की पावर n जो है वो हमारा 1 आएगा। इनफैक्ट आप कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट, जितने भी ये रूट्स आए हैं यूनिटी के, किसी भी रूट की पावर अगर आप n कर देंगे, किसी भी रूट की पावर अगर आप n कर देंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 इसके रूट्स हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब अल्फा 1 यहाँ पे लिखोगे तो अल्फा 1 की पावर n 1 हो जाएगा, अल्फा n माइनस 1 यहाँ लिखोगे तो अल्फा n माइनस 1 की पावर n यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि जितने भी ये यूनिटी के रूट्स आए हैं, जितने भी एन एन एथ रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं, तो उनकी पावर एन अगर अपन कर देंगे तो आंसर अपना वन आएगा, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोगों ने ये सीखा था कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक सर्कल पे लाई करते हैं विद रेडियस 1 एंड सेंटर 0.0। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, ये सारे जो रूट्स हैं ना ये भी सर्कल पे लाई करते हैं। ये जो जितने भी रूट्स हैं, ये जितने भी रूट्स हैं हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन माइनस 1 तक और 1 भी है, ये सारे सर्कल पे लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं? 1 तो हमारा ये हो गया, 1 तो हमारा ये हो गया 1.0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा है अल्फा 1, ठीक है। आप यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एक सर्कल खींच दे वन यूनिट रेडियस का, तो इस सर्कल पे लाई करेंगे अल्फा 1, अल्फा 2, ऐसे करते 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 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एन माइनस 1, ठीक है। क्यों लाई करेंगे सर्कल पे? क्योंकि सीधी बात है, आप इन रूट्स को ध्यान से देखिए, सबका मॉडुलस 1 है, सबके यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, सबका मॉडुलस 1 है, तो इसका मतलब ओरिजन से वो बराबर दूरी पे हैं, तो सर्कल पे तो लाई करेंगे ही, सर्कल पे तो वो लाई करेंगे ही। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये वाला जो रूट है ना, इसका तो आर्ग्यूमेंट 0 है, मैंने कहा था आगे आर्ग्यूमेंट ए पी में आएंगे, तो यहाँ ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना थीटा, ये है 2π/n, ठीक है। इसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट ए पी में मिलेगा, तो फिर थीटा जुड़ेगा इसमें, फिर आगे देखिए, फिर थीटा जुड़ेगा इसमें, तो यूं कर कर के इस प्रकार से ये जो रूट्स है ना ये बनाएंगे एक रेगुलर पॉलीगन। क्या बनाएंगे? रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात मेंशन कर देता हूँ कि रूट्स विल लाई, ऑल रूट्स विल लाई, है ना, एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी विल लाई ऑन अ यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल बोले तो रेडियस जिसकी 1 हो, यूनिट सर्कल विद सेंटर 0.0, 0.0 सेंटर वाले एक यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। और ये बात भी समझने वाली है कि ये जो रूट्स हैं ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे, ऐसे करके यूं इनको ज्वाइन करते चले जाएं, तो यूं करते हुए इस प्रकार से एक रेगुलर पॉलीगन बनेगी, ठीक है। So, n nth roots of unity will form a regular n-sided polygon। तो यहाँ पे 1 की पावर 1/3 के जो भी रूट्स आएंगे वो ट्राइंगल बनाएंगे, 1 की पावर 1/4 के जो भी आंसर्स आएंगे वो स्क्वायर बनाएंगे, 1 की पावर 1/5 के जो भी आंसर्स आएंगे वो पेंटागन बनाएंगे, रेगुलर पेंटागन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेगुलर पेंटागन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप देख सकते हो कि ज्योमेट्रिकली किस प्रकार अरेंजमेंट होती है जो भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी के जो n रूट्स आते हैं उनकी, ठीक है। सर्कल पे वो होते हैं, एक पॉलीगन वो बनाते हैं, ये बात यहाँ से अपने को समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर है जी। चलिए मूव करते हैं और आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसा कि हमने देखा था कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में अगर पावर, इनको जोड़ते हैं तो 0 आता ही है, इनकी पावर पी को जोड़ते हैं तो दो आंसर आते हैं, 0 भी आंसर आता है या फिर आंसर 3 आता है। 0 तब आता है जब पी 3 का मल्टीपल नहीं होता है, और 3 आंसर आता है जब पी 3 का मल्टीपल होता है। कुछ वैसे ही जो हमारे n nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, हमें मालूम है उनको जब हम जोड़ते हैं तब तो 0 आंसर आता ही है, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कि इनकी पावर p करके जोड़ दिया जाए जिस तरीके से यहां पे 2 आंसर आए थे, उसी प्रकार से यहां पे भी दो आंसर आएंगे। तो इसका आंसर 0 भी आ सकता है और इसका आंसर n भी आ सकता है, क्योंकि अगर p n का मल्टीपल हो गया, इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ n,
इफ पी इज एन इंटीजर एंड मल्टीपल ऑफ एन एन का मल्टीपल हो गया तो भाई क्या होगा अल्फा वन की पावर एन, अल्फा टू की पावर एन, ये तो सब वन 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 हो जाएंगे। तो जब ये सारे वन हो जाएंगे ना, सारे वन 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 हो जाएंगे, तो क्लब होकर के कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। और अगर पी एन का मल्टीपल नहीं हुआ तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। इफ पी इज एन इंटीजर एंड नॉट द मल्टीपल ऑफ एन, नोट द मल्टीपल ऑफ एन, एन का मल्टीपल ना हो, ठीक है, तब तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है जी? तो ये बात एकदम समझ में आनी चाहिए। देखिए हाईलाइट करके इस बात को लिख देता हूं, ठीक है ना। सारे रूट्स को जोड़ोगे तो जीरो आता ही है, लेकिन इनकी पावर पी कर करके जोड़ोगे ना, यहां पर पावर पी की है, बट वन की पावर पी और वन सेम ही रहता है, ठीक है। पावर पी करके अगर जोड़ देंगे तो या तो जीरो आंसर आएगा या फिर एन आंसर आएगा। क्लियर है जी? समझ में आ रही बात एकदम भन्नाट तरीके से। तो ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, कहां गई, ये रही, एक्स की पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसी के रूट्स होते हैं ये सारे के सारे, वन अल्फा वन, अल्फा टू एंड सो ऑन, अल्फा एन माइनस वन, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को यहां पे कॉपी कर लेता हूं आपके सामने। एक्स की पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, आप कह रहे हो कि इसी के सारे रूट्स होते हैं, वन अल्फा वन, अल्फा टू एंड सो ऑन, अल्फा एन माइनस वन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर x इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई करता है तो x की पावर n माइनस वन का x माइनस वन एक फैक्टर होगा। x इक्वल टू अल्फा वन अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो x माइनस अल्फा टू भी फैक्टर होगा। यूं करते हुए x माइनस अल्फा वन भी फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा टू भी फैक्टर होगा। यूं करते हुए मैंने सारे फैक्टर्स निकाल दिए, क्योंकि मुझको सारे रूट्स मालूम थे। एक पॉलिनोमियल के सारे रूट्स मालूम होंगे तो उसके सारे फैक्टर्स भी मालूम होंगे, क्योंकि हर फैक्टर से एक रूट आता है तो हर रूट से भी एक फैक्टर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे वन अल्फा वन, अल्फा टू एंड सो वन, अल्फा एन माइनस वन, ये इसके रूट्स थे। तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन, एक्स माइनस अल्फा एन माइनस वन, ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि एक्स की पावर एन माइनस वन के कभी फैक्टर्स लिखने पड़ जाए तो खटखट खटखट खट सारे फैक्टर्स आपको लिखने आने चाहिए। करेक्ट है जी एकदम। चलिए और प्रॉपर्टी बता देता हूँ इसकी, ठीक है ना, और भन्नाट प्रॉपर्टी बता देता हूँ इसकी, है ना। अगली प्रॉपर्टी मैं इसी से डिराइव करने वाला हूँ, इसी चीज से ड्राइव करने वाला हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, x की पावर n माइनस वन को डिवाइड कर दिया x माइनस वन से, ठीक है ना। इस x माइनस वन को नीचे लेकर के गया मैं, तो क्या हुआ, x की पावर n माइनस वन को जब डिवाइड कर दिया ना x माइनस वन से, ठीक है, ये वाला जो फैक्टर x माइनस वन है इसको जब नीचे लेके गया तो यहां क्या बचा, x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन, x माइनस, भाई कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अगर सीखना है तो, ध्यान दीजिए इधर, x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन, x माइनस अल्फा एन माइनस वन। तो ये हो गया x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, x माइनस अल्फा थ्री एंड सो ऑन, x माइनस अल्फा एन माइनस वन, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्वांटिटी जो है ना, इस क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इंटू वन, आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुमको मालूम चलेगा, तो तुमको मालूम चलेगा कि एक जीपी का सम लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये एक जीपी का सम लिखा हुआ है। ये किस जीपी का सम है, आप बोलेंगे जी ये इस जीपी का सम है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो वन हो और जिसका जो कॉमन रेशियो है ना, जिसका कॉमन रेशियो एक्स हो और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन हो, तो ऐसा जीपी तो ये होगा भाई, ये होगा जीपी। तो ये एक जीपी का सम लिखा हुआ है, वहां से मैंने जीपी बना दिया। तो यहां से मैंने ये बात निकाल दी कि एक्स माइनस अल्फा वन इंटू
x माइनस एल्फा टू इंटू एक्स माइनस एल्फा थ्री एंड सो ओन x माइनस एल्फा एन माइनस वन, x माइनस एल्फा एन माइनस वन, ये आ गया x माइनस एल्फा एन माइनस वन, ये होगा इस सीरीज के इक्वल। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, यहां पे ध्यान से देखिए। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें पुट कर दिया, पुट कर दिया एक बार तो x इक्वल टू जीरो, यहां पे देखिए मैंने इसमें पुट कर दिया x इक्वल टू जीरो। जब आप x इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब आप x इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे ना, तो माइनस एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस एल्फा थ्री माइनस एल्फा एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन करते हुए ये हो जाएगा माइनस वन की पावर, टोटल कितनी ब्रैकेट्स हैं, एन माइनस वन ब्रैकेट्स हैं, माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री एंड सो ऑन एल्फा एन माइनस वन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन, इसमें डालोगे ना तो इसमें एन टर्म्स हैं, तो वन 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 हो करके एन हो जाएगा, इसका आंसर एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए प्रोडक्ट निकाल दिया है मैंने, यूनिटी के जो रूट्स हैं, एन एन एथ रूट्स ऑफ यूनिटी के जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट निकाल दिया मैंने, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री एंड सो ऑन एल्फा एन माइनस वन, माइनस वन की पावर एन माइनस वन को उधर लेकर के गए तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन ही रहती है, एन से कर दिया मल्टीप्लाई इसको, और यहां पे वन इंटू लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या निकाल दिया, मैंने निकाल दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया, क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमारे nth रूट ऑफ यूनिटी के n रूट्स आए थे, कोई उनका प्रोडक्ट पूछे तो बोलेंगे माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू n आया है, और कोई सम पूछेगा, कोई सम पूछेगा तो हम क्या बोल देंगे, सम कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे इनका सम तो जीरो होता है सरकार, लेकिन कोई हमसे प्रोडक्ट पूछेगा तो प्रोडक्ट हम बता देंगे माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन होता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने से हमें मालूम चला है, लेकिन मैं अगर इसमें पुट कर दूं, अगर मैं इसमें x इक्वल टू वन पुट कर दूं तो एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन यहां से जनरेट हो जाएगी, वन माइनस एल्फा वन इंटू वन माइनस एल्फा टू इंटू वन माइनस एल्फा थ्री एंड सो ऑन वन माइनस एल्फा एन माइनस वन इक्वल टू एन इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन पुट करके ये हो जाएगा इक्वल टू एन। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देखिए एक छोटी सी गड़बड़ क्या होगी, x इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे ना तो वन आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे तो यहाँ वन आएगा, यहाँ क्या आएगा वन, x इक्वल टू जब जीरो पुट किया था ना तो ये तो ठीक था, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ वन आ गया तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन को उधर लेकर गए तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन ही आएगा। ठीक है जी, और x इक्वल टू वन जब पुट करेंगे, वन जब पुट करेंगे तो यहाँ n हो गया। ठीक है, वन जब पुट करेंगे तो यहाँ देखिए, वन जब पुट करेंगे तो ये हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और रिलेशन मैंने डेवलप कर दी, ये एक और रिलेशन मैंने डेवलप कर दी कि वन माइनस एल्फा वन इंटू इंटू वन माइनस एल्फा टू इंटू वन माइनस एल्फा थ्री एंड सो ऑन वन माइनस एल्फा एन माइनस वन एन के बराबर होता है, और वन इंटू एल्फा वन इंटू एल्फा टू इंटू एल्फा थ्री एंड सो ऑन एल्फा एन माइनस वन माइनस वन की पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। करेक्ट है जी, एकदम भन्नाट तरीके से। तो आई होप आपको ये वाले रिलेशन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अगर इसमें माइनस वन पुट कर देंगे, माइनस वन पुट कर देंगे तो एक और रिलेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमको अभी तक के सफर में डी मोइवर्स थ्योरम एकदम क्लियर हो चुकी है, डी मोइवर्स थ्योरम क्लियर हो चुकी है, उसके बाद हमने nth रूट ऑफ यूनिटी के n रूट्स देख लिए हैं, कैसे फाइंड किए, डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए फाइंड किए, उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं सारे रूट्स की। यहाँ मैं आपको कहूँगा कि लेक्चर ख़त्म हो गया है हमारा, और आपको सारे नोट्स कम से कम दो से तीन बार रिवाइज करने होंगे, हर पॉइंट पे आपको सोचना होगा, गौर फरमाना होगा और सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना होगा। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को रिवाइज करके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सारी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करके कमेंट भी किए थे कि आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर ली हैं। आज भी मुझको कमेंट करके बताएं कि nth रूट ऑफ यूनिटी और डी मोइवर्स थ्योरम आप लोगों ने किया कि नहीं किया, आपको समझ आया कि नहीं आया, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा समझने के लिए, और सारी प्रॉपर्टीज़ याद होने के बाद भी आप मुझको कमेंट करके बताएं
कि आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज भन्नाटली याद कर ली हैं या नहीं, लेकिन याद करना चाहिए क्योंकि जेई में कई बार सवाल इस टॉपिक से आते हैं, जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात आज इतनी ही थी, चलने का समय हो चुका है। तो एक लंबी सी मुस्कान के साथ आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन एक टॉपिक होता है, वो अभी बचा हुआ है जो हमारे अगले लेक्चर में कवर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने बेसिक से लेकर के उसके मध्य में घुसते हुए और उसको पूरा एक्सप्लोर किया है, और हमारा एक टॉपिक अभी बाकी है जो अगले लेक्चर में हम करेंगे, वो है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते, हंसते हंसते, बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहे, हंसते रहें, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।